इज एज द पायनियर्स इन द क्वालिटी जो क्वालिटी मैनेजमेंट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो पूरा कंसेप्ट है उसमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के ऊपर जो काम हुआ है उसमें शुहट और डिमिंग का काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन है इन नाइनटीन नाइनटी ूस अ साइकिल कॉल्ड एस पीडीएसए विच वॉज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ पीडीसीए तो पहले जो साइकिल आया था दैट वॉज कॉल्ड एस पीडीसीए लेकिन बाद में डिमिंग नहीं उसको मॉडिफाई करके पीडीएसए बना दिया था नाइन नाइनटी में ही बिलीव दट द डाटा एनालिस एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी इंप्रूवमेंट एफर्ट एंड चेकिंग डज नॉट To study. अब होता क्या था कि पहले किसी भी तरह के अगर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट को हमें करना होता था तो हम जनरली मॉनिटरिंग का इस्तेमाल करते थे ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करते थे या चेकिंग का इस्तेमाल करते थे बट डेमिंग ने और शोहाट ने यह कहा कि हमें डाटा एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है अगर हम डाटा को ले लेंगे डाटा को कलेक्ट करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे तो हम बहुत तरह की इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर साइकिल के तो पहला ऑब्जेक्टिव है इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड चेंज तो किसी भी तरह का चेंज लाना है किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट लाना है किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो वहां पर आप इस साइकिल को यूज कर सकते हैं वाइडली रिकॉन्नाइज एट द बेसिस ऑफ कंटिन्यूसली इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोसेस प्रोडक्ट एंड सर्विज अब कोई भी कंपनी अगर वो अपने प्रोसेस को इंप्रूव करना चाहती है अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करना चाहती है अपने सर्विसेस को इंप्रूव करना चाहती है तो वो इस ऑब्जेक्ट वो इस पर्टिकुलर साइकिल को यूज कर सकती है प्रोवाइड्स अ सिंपल एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉर सॉल्विंग क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स किसी भी भी तरह तरह का क्वालिटी क्वालिटी इशू है अगर आप वहां पर कहीं भी तरह के इंप्रूवमेंट पे काम करना चाहते हैं किसी भी तरह का एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बनाना चाहते हैं तो वहां पर भी आप इस साइकिल को यूज कर सकते हैं इट इज यूज टू वेरीफाई द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोजल आइडिया वेदर इट इज इंक्रीमेंटल और ब्रेक थ्रू अब हमें पता है कि जो आइडियाज होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं वन इज अ ब्रेक थ्रू आइडिया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया है या फिर जो दूसरा आइडिया होता है हमारा वो दैट इज कॉल्ड एन इम्प्रूवमेंटल आइडिया पहले जो चीज हो चुकी है हम उसी में कुछ इंप्रूव करने जा रहे हैं तो इन दोनों आइडियाज में कि अगर हमें फिजिबिलिटी को जानना है तो वहां पर भी आप इस साइकिल को यूज कर सकते हैं तो ये इसके चार ऑब्जेक्टिव है टॉक अबाउट द स्टेप्स ऑफ साइकिल इसमें साइकिल में स्टेप्स क्या है तो आर फोर स्टेप्स और वो चार स्टेप्स हैं प्लान डू चेक और एक्ट दैट मीनस पी डी सी ए प्लान डू चेक एंड एक्ट एक चीज और हमें यहां पे देखनी है डायग्राम से आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस साइकिल है कंटिन्यूस साइकिल का क्या मतलब है कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा विस्कस साइकिल की तरह काम करता रहता है राउंड राउंड लेता रहता है वन स्टेप से दूसरे स्टेप में इसका मतलब यह है कि जो पीडीएस ये साइकिल है वो उसमें जो चारों डायमेंशन है उनका लगातार इंट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है मल्टीपल आइट्रेशन होते हैं मल्टीपल टाइम वो एक ही प्रोसेस को लेकर घूमता रहता है जब तक कि उसको कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना मिल जाए वो भी परमानेंटली

करना क्या है हम वो भी यहां पर मेंशन करते हैं करंट सिचुएशन इज एनालाइज जो करंट का सिचुएशन चल रहा होता है हम उस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं कि भाई करंट जो अभी हालात है उसमें क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं प्रॉपरली तब तक हम उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते एंड सॉल्यूशन अल्टरनेटिव आर आइडेंटिफाइड सिलेक्टेड इन शेड्यूल्ड इसके बाद जब आपको प्रॉब्लम मिल जाती है आपके ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं तो उसके बाद आप इसमें सॉल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं सॉल्यूशन के अल्टरनेटिव्स क्रिएट करते हैं कि ए सॉल्यूशन या बी सॉल्यूशन या डी सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन इसके लिए बेस्ट सुटेड होगा और वो कैसे हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है दैट इज कॉल्ड डू अब सेकंड डू स्टेप में क्या होता है सोल्यूशन इज टेस्टेड ऑन ए स्मॉल स्केल बेसिस सबसे पहले जो सोल्यूशन आपने निकाला है जो पीछे हमने अल्टरनेटिव बनाए थे उसमें जो भी सोल्यूशन हमें लग रहा है कि वो बढ़िया सोल्यूशन है हम उसको स्मॉल स्केल लेवल पर लगाकर देखते हैं इट इन्वॉल्व कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम द फॉर लेटर एनालिसिस उसके बाद एक बार आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद हम उसके डाटा को कलेक्ट करना शुरू करते हैं ये देखने के लिए कि मेरा प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा इट ऑल्सो इन्वॉल्व मेजरिंग प्रोग्रेस प्लस इसके अलावा हमें यह भी देखना पड़ेगा की हमारा जो पास्ट प्रोसेस चल रहा था उसमें हमारी एफिशिएंसी कैसी आ रही थी और अब जो हम नया मेथड लगाने जा रहे हैं या जिस भी तरीके से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है उसमें हमारी एफिशिएंसी कैसी चल रही है हम उसको कंपेयर भी करेंगे और अपने प्रोग्रेस को मेजर करते रहे बेनिफिट आर वैलिडेटेड बिफोर कमिटिंग इट टू फुल इंप्लीमेंटेशन अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है इसका सबसे बड़ा फायदा यह मिलता है कि बिफोर यू इंप्लीमेंट द दोल्यूशन टू द होल प्रोसेस आप पूरे प्रोसेस पर उसको अप्लाई कर दो या लार्जर स्केल पर अप्लाई कर दो और उसके बाद वो फेल हो जाए तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इनकर हो जाएगी तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप करते क्या हो पहले स्मॉल लेवल पर उसको एग्जीक्यूट करते हो और वहां से जो भी इश्यूज आते हैं उसको रिजोल्व करते हो तब तक आप पूरी तरह से तैयार हो जाते हो जब आप पूरी तरह तैयार हो जाते हो तब आप उसको लार्जर लेवल पर एग्जीक्यूट करते हो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टेप एंड दैट इज कॉल्ड चेक अब चेक स्टेज में क्या होता है यू इन्वॉल्व

फर्दर इम्प्रूवमेंट आर पॉसिबल और नॉट प्लस यहां पर एक और चीज आप देख सकते हो कि जो फर्दर इंप्रूवमेंट है उसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है वो भी आप यहां पर चेक डाउन कर सकते कंसर्न विद आईडेंटिफाइंग अनएक्सपेक्टेड इशूज देयर कॉजेज गैदरिंग एंड समराइजिंग देयर किलर्निंग अब हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं आपने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा लेकिन वो हो गया जब आपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया तो आपको कुछ नए एरर्स मिले कुछ नए इश्यूज आए तो आप उनको भी डाटा को कलेक्ट करोगे और उनको भी जानने की कोशिश करोगे कि वो इश्यूज क्यों आ रहे यू मेन नीड टू रिपीट डू एंड चेक अ नंबर ऑफ टाइम्स यू गेट द ऑप्टिमम रिजल्ट जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको प्रोसेस को रिपीट भी करना पड़ सकता है आपने कुछ एग्जीक्यूट किया अगर वो चल गया तो अच्छी बात है अगर वो नहीं चला तो चेक करने के बाद आप दोबारा से उसको रिपीट करोगे फिर दोबारा से रिपीट करोगे और टिल द टाइम जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता तब तक, तक आप उसको बार बार रिपीट करते रहोगे जब तक वो सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती टॉक अबाउट द लास्ट स्टेज एंड दैट इज कॉल्ड एक्ट स्टेज अब एक्ट स्टेज में क्या होता है इट इन्वॉल्व एक्टिंग ऑन द फीडबैक एंड लेसन लर्न एंड इंप्लीमेंटिंग द सोलूशन फुली अब यहां पर आप क्या करते हो कि जो भी लेसन आपने सीखे हैं जो भी आपको आइडिया लग गया है आपको एक फीडबैक मिल जाता है आपके पूरे प्रोसेस का कि आपका प्रोसेस सही तरह से रन कर रहा है या नहीं कर रहा और आप उस सोल्यूशन को पूरी तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हो या नहीं कर सकते प्लस फ्यूचर में भी आप उसको यूज कर सकते हो नहीं कर सकते

वो फिर से डिक्लाइन कर जाए तो उस चीज का हमें ध्यान रखना है और फाइनली आप अपने सिस्टम में जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है उसमें उसको फिट इन करने की कोशिश करोगे ये सारे स्टेजेस जो हैं वो आपके फोर्थ स्टेज में आएंगे दैट इज कॉल्ड एक्ट अब इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप ये देखो मैंने इसका एक साइकिल क्रिएट किया जैसे मान लो कि प्लानिंग लेवल पे हम क्या कर रहे हैं वी आर प्लानिंग टू इंप्लीमेंट अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड अ प्रोडक्शन प्रोसेस हम एक नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन प्रोसेस प्लान कर रहे हैं अब इसके लिए हम क्या करेंगे विल क्रिएट अ प्रोटोटाइप एंड टेस्टेड एंड कलेक्ट डाटा फ्रॉम द कस्टमर अब हम क्या करेंगे एक प्रोटोटाइप क्रिएट करेंगे उस प्रोडक्ट का उसके बाद उसको टेस्ट करेंगे टेस्ट करने के बाद हम उसको कस्टमर को देंगे और कस्टमर से उसका डाटा कलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारा डू स्टेज हो जाएगा उसके बाद वट विल डू वी एनालाइज द कलेक्टेड डाटा मेजर द कस्टमर सेटिस्फैक्शन उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो कस्टमर ने हमें डाटा दिया है उससे कस्टमर का सैटिस्फेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा प्रोडक्ट में क्या इश्यूज आ रहे हैं और अगर सब कुछ सही रहा तो फाइनली यू विल फुल इम्प्लीमेंट द न्यू डिजाइन एंड एक्ट ऑन कलेक्टेड फीडबैक जो भी फीडबैक आपको मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली आप काम करोगे प्लस जो प्रोडक्ट आपने बनाया है या जो प्रोसेस आपने बनाया है उसको आप फुल्ली एग्जीक्यूट कर दोगे तो ये एक एग्जाम्पल थी जिससे आप समझ सकते हो कि चारों स्टेज कैसे काम करते जैसा मैंने आपको पहले भी बताया डू और चेक बार बार रिपीट हो

work मेथड यूज कर सकते हो आप कंट्रोल चार्ट यूज कर सकते हो तो इस तरीके से आप इस शूहट साइकिल को इंप्लीमेंट कर सकते हो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन इंप्रूविंग द क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ यू रियली लाइक माई चैनल डू सब्सक्राइब टू माई चैनल डू लाइक एंड शेयर ऑल्सो विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड अगर आप रिसोर्सेस चाहते हैं वो भी कंप्लीटली फ्री जो मैं आपको अवेलेबल कराता हूं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें वहां पर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल के दे रहा हूँ जिससे कि आपको मेरे सारे रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे तो मिलते हैं लेक्चर में थैंक यू सो मच